मैं डॉक्टर आर के कनौजिया सस्य वैज्ञानिक हूँ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में। अभी तो आप कई देखा जा रहा है किसानों को बहुत ज़्यादा सहूलियत देते हैं, हम कभी देखते हैं ग्रुप भी बना रखा है, कोई समस्या होती है किसानों को तो भी क्या देख रहे हैं यहाँ के किसानों को, क्या नई सरकार में योजनाएँ दी जी? देखिए ऐसा है कि जो हमारा कृषि है उसके विकास के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और प्रयासरत हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं विभिन्न प्रकार के, और साथ ही साथ जो है आपने बताया कि हमने ग्रुप बना रखा है जिसमें भी हम किसानों को जानकारियां देते हैं। तो देखिए खेती किसानी का जो एक क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, इसमें हमेशा हमें निरंतर नई नई जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नई प्रजातियाँ, नई तकनीकी, नए तरीके के रोग, कीड़े, बीमारियाँ ये सब आते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान भाई हमारे एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि उन्हें उनसे बचाव के लिए या कुछ बेहतर करने के लिए कुछ जानकारियाँ चाहिए होती हैं। तो हम अपने यहाँ पर केंद्र पर किसानों को बुलाते ही हैं, किसानों को प्रक्षेत्र पर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि डिजिटल ज़माना है तो ऐसे में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से हमने जनपद के चुनिंदा किसानों को सबको जोड़ रखा है, एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसमें कि किसानों एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के बारे में किसान भाइयों को मालूम होता है, साथ ही साथ जो उनकी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उसको भी हम उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निदान करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने क्या देखा, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, इसमें किसानों को कितनी राहत मिलती दिखाई दे रही है, बीज से लेकर खाद से लेकर हर चीज़ आप किसान एग्रीकल्चर देखते हैं? जी देखिए ऐसा है, चाहे वो हमारी भारत सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, वो किसानों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमें समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो हमारे रूटीन प्रोग्राम है उसके अतिरिक्त भी। जैसे फसल अवशेष प्रबंधन का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है और SC ST विलेजेस के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा जैसे गाँवों में किसान महिला हमारी कृषक हैं उनको भी जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, और ये जो किचन गार्डनिंग है गृह वाटिका के लिए भी अभी हम लोग लगातार जो है हर वर्ष जो है कार्यक्रम कराते हैं, और उस दौरान हम महिला कृषकों को बीज भी जो है किचन गार्डनिंग के लिए उपलब्ध कराते हैं, जो कि इफ्को के माध्यम से भारत सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इफ्को के माध्यम से वो बीज आता है और हम लोग जो है अपने केंद्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए ट्रेनिंग के माध्यम से। एक तो बहुत ज़रूरी बात बताइए कि युवा इसमें एग्रीकल्चर से जो भाग रहा था वो कितना आप पास में आए? जी बहुत ही सही आपने प्रश्न किया है कि युवाओं की जहाँ तक बात है तो हम सभी जानते हैं कि भाई जिस तरह से हमारी देश की बढ़ती जनसंख्या है और जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्द है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है लेकिन उसके अतिरिक्त हमें भी अपना प्रयास करना है। और जहाँ तक युवा की बात है तो मैं आपको ताज़ा तरीन एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारा एक युवा है जो ग्रेजुएट है और उसने अभी रौसी गलमऊ में रौसी का है और उन्होंने जो है 10 बॉक्सेस बी कीपिंग के लिए लगाए हैं, और उन्होंने अभी पिछले वर्ष जो है अपने मैंगो ऑर्चर्ड का रिजुविनेशन कराया, यानी कि पुराने बाग थे उसका जीर्णोद्धार कराया और साफ सफाई करने के बाद उन्होंने बॉक्सेस रखे हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से नौजवान किसान हैं जो कि विभिन्न ग्रामों के हैं जो ड्रम सीडर की तकनीकी को अपनाए हुए हैं, जो ड्रैगन फ्रूट लगाया है उन्होंने। हमारे यहाँ किसान जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ड्रैगन फ्रूट जो होता है वो चाइनीज़ फ्रूट है और इसको ये एक्चुअली हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है, बट एक ड्रैगन फ्रूट है जो कि पोषक तत्व, उसमें पोषकता बहुत अच्छी है और इसकी मांग मेट्रोस में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हम कोई नई चीज़ अब क्योंकि ये डिमांड में है और हमारे किसान भाई क्योंकि खुद भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो उन्होंने इसको लगाया। लास्ट क्वेश्चन है कि लड़कियाँ इसमें कितनी, महिलाएँ देखिए महिलाओं के लिए तो क्या है कि अभी जैसे हम लोगों ने पोषक वाटिका कार्यक्रम से उनको जोड़ा, साथ ही साथ हमारे केंद्र की जो वैज्ञानिक हैं वो महिलाओं को यानी युवा और उसमें महिलाएं जो शामिल होती हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो जैसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, फल संरक्षण, सब्जियों के द्वारा जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम जेली, इस पर उनको प्रशिक्षित करती हैं और जिससे कि वो आगे जो है इसको एज ए एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपनाएं और अपनी घरेलू आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें। तो इस तरीके से पूरा डाइवर्सिफाइड रूप में जो है विविधीकरण के रूप में जो है हमारा कार्यक्रम चल रहा है। थैंक यू।